एप्पल खाती गोगम थोड़ी खेते जा वीडियो बनावा खेते जा काई के हाजी आ खेते तो नजर में आई गया अब जति मु जा काई भी खेते तो हिंदी में आको ने गुजराती में खेते जे काई ने एल लावड़े गुजराती हिंदी में जाते हां आपो जाति में राखते जे काई जे के सरल पर थे के काई ने मोटर पड़ा जात लो कहां लेटी काटे आके दे दे काई ने लो काई ने लो हेलो गाइस चालू किया। हेलो गाइस, एक बार फिर से आपका स्वागत है रोहन स्नेक राइडर चैनल में। दोस्तों आज हम बहुत ही अनोखी जगह पे आए हैं। उच्छल तालुका में एक मोहिनी गांव पड़ता है दोस्तों। बहुत ही छोटा अनोखा शहर है पर बहुत ही सुंदर गांव है दोस्तों, क्योंकि उधर हर प्रकार के खेल कूद के प्रोग्राम होते रहते हैं, तो हम आते जाते रहते हैं। तो यही गाँव में एक सांप दिखा हुआ है जिसको हम बोलते हैं फन वाला सांप, कोबरा, ब्लैक कोबरा, जो कि बहुत ही घातक होता है, न्यूरोटॉक्सिन जहर आता है दोस्तों। तो इसको काटने से दोस्तों बहुत लोगों की जान चली जाती है, जो कि बराबर ट्रीटमेंट ना होने से, बराबर सारवार ना होने से दोस्तों जान चली जाती है। तो इसीलिए हमको याद किया है ये भाई ने, तो हम वो भाई को अभी बुलाएंगे दोस्तों, रूबरू कराएंगे कि उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है, क्योंकि अच्छा काम पकड़ने वाला नहीं होता है दोस्तों, बचाने वाला होता है। तो वो भाई ने बचाया भी है और बताया भी है दोस्तों, तो हम वो भाई को अभी आपको रूबरू कराएंगे। तो हमारे भाई सूरज भाई हमारा गोटा तो गाइस, ये भाई ने बहुत ही अच्छा काम किया है। सांप को देख के एक सर्प मित्र को बुलाया और याद किया है कि भाई आ जाओ, घर में सांप निकला हुआ है। तो मारा नहीं है, रोहन भाई को याद किया है। तो हम अभी पूछेंगे कैसे दिखा, कहाँ पे था और क्या कर रहे थे। मैं जब भी घर पे था ना, तो मैं वो मोबाइल चार्जिंग पे रखने आया था, वहाँ पे बटन दबाने गया था स्विच, तो वहाँ ऊपर दिख गया मेरे को सांप, दिख गया तो मैं डर गया और थोड़ा पीछे हट गया, और फिर वो सांप भी डर के ऊपर चढ़ गया। तो फिर मैंने लोगों को बोला कि सांप है मेरे घर में, ऐसा ऐसा बोल दिया। तो उन लोगों ने फिर बोला कि भाई अपने पास है स्नेक राइडर रोहन भाई, उनको बुला लेते, ऐसा बोला तो फोन कर दिया आपको। तो गाइस आप देख सकते हो, ये भाई से कुछ सीखने का दोस्तों हमको बहुत कुछ मिलता है दोस्तों, क्योंकि ये मारने वाले में से नहीं बचाने वाले से। आज उच्छल तालुका में, पूरा नवापुर तालुका में आप देखेंगे, आप पूरा भारत देखेंगे ये भाई को, क्या बहुत ही अच्छा काम किया है रोहन भाई को बुलाकर और एक सांप का जान बचा के दोस्तों। क्योंकि पीतल के नाग बहुत सारे पूछते हैं, दूर दूर मंदिर जाते हैं दोस्तों, पर घर में निकलते ही दोस्तों मार देते हैं, वो बहुत ही बेरहम काम होता है दोस्तों। तो हम चलो देरी ना करते हुए पकड़ेंगे कितना बड़ा है, कैसा है दोस्तों, और वो फन कैसे निकलता है आपको दिखाएंगे। तो भाई लोग को हम बोलेंगे डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम ट्रेनिंग लिए हुए हैं दोस्तों, ट्रेनिंग से हम लोग पकड़ते हैं। तो आप ऐसा करने का ट्राई ना करें दोस्तों, देखा देखी बिल्कुल ना करें, क्योंकि इसमें बहुत जनों की जान जा चुकी है। तो चलो हम देरी ना करते हुए सांप को हम रेस्क्यू करते हैं। देखो पीछे लकड़ा है, ऊपर लगना जाए आपको, कुछ लकड़ी बकड़ी चाहिए थकत रहा तुम। काय ना रे
तो नवा खेल बंशीलाल बंशीलाल। तो गाइस हमने स्नेक को रेस्क्यू कर लिया है और बहुत ही धोखा पड़ रहा है निकलने का, क्योंकि छोटा है पर बहुत ही घातक है दोस्तों, क्योंकि जितना छोटा रहता है उतना ही रिस्की रहता है पकड़ने का। तो गाइस हमने पकड़ लिया है एक बेबी कोबरा है, तो टुकड़ों दे रहा क्या तुम जाए दोस्तों आप देख सकते हो ये भी कोबरा है, ये भी थोड़ा डर गया है दोस्तों, पब्लिक को देखो ये भाप लेता है, देख सकते हो को बोले में थोड़ा पास में है क्योंकि हमारे हाथ में है इसलिए करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप देख सकते हो गर्मी लग रहा गाइस, ये फन नहीं कर रहा है क्योंकि डर गया है थोड़ा। ए माधव वहां पे तो हम इसे जल्दी से पैक करेंगे। हां पैक कर लो, हो गया इसका, क्योंकि इसे भी खतरा हो सकता है, हमको भी खतरा हो सकता है दोस्तों। अच्छा, इसके लिए हम एकदम प्यार से इसे भी पैक कर देंगे। अभी गैस थोड़ी अभी हम पाए ना तो नहीं पड़ा है। तो गाइस हमारा कैमरा मैन मनसी भाई ने बहुत ही अच्छी तरह से वीडियो उतारा है और लाइक करें दोस्तों, फॉलो कीजिए, क्योंकि मकसद दिखाना नहीं बचाना है, तो हम बचाने के लिए दोस्तों वीडियो उतारते हैं, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों, ताकि हर इंसान की भी जान बचे और जानवर की भी जान बचे दोस्तों। तो इसी प्रकार हम सांप पकड़ते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।